इनलाइटनमेंट के बाद, आत्म साक्षात्कार या फिर आत्मज्ञान के बाद, हमारी कॉन्शियसनेस में, हमारी चेतना में क्या परिवर्तन आता है? इसके लिए यह जानना जरूरी है कि इनलाइटनमेंट क्या है और चेतना क्या है। इनलाइटनमेंट का मतलब है कि आपको ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, आप संसार का नेचर फैक्चुअली, फैक्ट की फॉर्म में देख चुके हो। फैक्ट का मतलब है कि जैसे एक सूरज एक फैक्ट है, तो आप कोई क्वेश्चन आंसर नहीं करोगे कि सूरज क्यों है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, मुझे इससे फर्क पड़ता है, फ्यूचर पास्ट, ये सारी चीज नहीं करोगे। जो चीज है सो है, फैक्ट है तो है। तो इसी तरह से इनलाइटनमेंट में आपको संसार का टेम्परेरी नेचर, यहां का जो संसार है दुखाल्यम अशाश्वतम, आप इस दुनिया का इल्यूजनरी नेचर देख चुके हो, इसलिए अब आप चीजों को जी रहे हो लेकिन भोग कर नहीं, आप जाग कर जी रहे हो। आप कोई कर्मा जनरेट नहीं कर रहे हो, अब आप सेल्फलेस हो, अब आपका सेल्फ नहीं बचा, आपका मैं या आई नहीं बचा। और कॉन्शियसनेस क्या है? कॉन्शियसनेस मतलब जो भी हमारे विचार हैं, हमारी इच्छाएं हैं, हमारा मन एक बेस पर है, एक बेस पर वो सब कुछ चल रहा है, और वो बेस जो है वो अनंत का बेस है, वो फाउंडेशन है, वो अनंत है, वो फाउंडेशन सर्वव्यापी है, वो कॉन्शियसनेस है। तो इनलाइटनमेंट के बाद क्या होता है, ये जो भी ऊपरी ऊपर जो हमारे विचार होते हैं, हमारी इच्छाएं होती हैं, ये अपने स्रोत की तरफ लौट जाती हैं, यानी कि अपनी चेतना की ओर लौटकर उसमें मिल जाती हैं, मर्ज हो जाती हैं। अन्यथा ये चेतना की तरफ अगर ये नहीं जाएंगी, हमारी इच्छाएं या फिर हमारा मन या फिर हमारे विचार, तो ये फिर इधर उधर भटकते रहेंगे और फिर हम इनको चेस करेंगे और फिर हम फिर इस संसार में फंसेंगे। आप समझ रहे हो इस चीज को? तो इसीलिए क्या होता है कि इनलाइटनमेंट में क्या होता है कि ये आपका, आपकी जो ये पूरी धूल है जो शीशे पर लगी हुई है वो साफ हो जाती है, वेव ओशन में मिल गई है, लहर समुद्र में मिल गई है, यानी कि अब आपके जो भी विचार थे, आपकी जो भी कुंठाएं थी, दुख सुख मान अपमान लाभ हानि, सारी चीजें वो अब जैसे ब्लैक होल जो होता है वो सारी चीजों को खींच लेता है, सारे मैटर में उसके आसपास कोई भी चीज आती है वो उसको खींच लेता है। तो इसी तरह से जब आपको एनलाइटनमेंट मिल जाती है तो आपकी चेतना सर्वव्यापी हो गई, मतलब आपने अपनी चेतना को डायरेक्टली देख लिया है, तो आपको आपका सोर्स मिल गया, आपका स्रोत मिल गया, आपकी रियल पहचान मिल गई, आपकी रियल आइडेंटिटी मिल गई है। तो जब आपको आपकी रियल आइडेंटिटी मिल जाती है, आपको आपकी रियल पहचान मिल जाती है, जो आप एक्चुअल में हो, तो फिर आप इधर उधर क्यों भटकोगे भला? तो फिर आप इधर उधर क्यों जाओगे? आपको अपना परमानेंट घर मिल गया है, आपको आपका स्थायी घर मिल गया है, आप इस क्राई की जिंदगी से अब मुक्त हो चुके हो, तो आप उसमें अब मर्ज हो गए हो, और इसे ही कहते हैं कि आपको निर्वाण की प्राप्ति हो गई, यानी कि आत्मज्ञान में जो आपकी चेतना है, जिसको हम आत्मा भी कहते हैं, आपको आपकी आत्मा का ज्ञान हो गया, आपकी चेतना का ज्ञान हो गया, आपको आपकी चेतना मिल गई है। लेकिन उससे पहले आपको आपकी आत्मा दिखाई नहीं दे रही थी, इनलाइटनमेंट से पहले, आत्मज्ञान से पहले, इसीलिए तो आप इधर उधर हाथ मार रहे थे, इधर उधर भटक रहे थे, इधर उधर जा रहे थे, यहां पूजा कर रहे थे, ये इंक्वायर कर रहे थे, वो इंक्वायर कर रहे थे, इधर एक्सपीरियंस लेने के लिए जा रहे थे, उधर एक्सपीरियंस लेने के लिए जा रहे थे, लेकिन अब आप अपने में लौट चुके हो,
अपने असली घर में, अपने रियल होम में, बैक टू होम, बैक टू योर योर रियल होम। तो हमारी चेतना में क्या परिवर्तन आता है भला? परिवर्तन ये आता है कि हमारी जो ऊपरी चीजें हैं वो खत्म हो जाती है और हम अपनी चेतना में स्थायी हो जाते हैं, जो हमारी रियल चेतना है, वो नहीं जो चेतना रिफ्लेक्स कर रही है, जो हमारी कॉन्शियसनेस रिफ्लेक्स कर रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है। क्या रिफ्लेक्ट कर रही है? हमारा नकली मैं, हमारी नकली इच्छाएं, हमारी फेक इच्छाएं। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि एक बार समय निकालकर जरूर अध्यात्म के इस स्पिरिचुअलिटी के इस क्रैश कोर्स को जरूर ज्वाइन करें। कुल 24 टॉपिक्स वाला ये क्रैश कोर्स आपकी आपकी आध्यात्मिक जिंदगी के लिए, आपके ज्ञान के लिए और आपके ध्यान के लिए परफेक्ट है। इन 24 टॉपिक्स पर, जैसा कि मैं बताता ही हूं हर वीडियो में, कि ध्यान, सत्य, साक्षी, विचार, विचारों के परे, बहुत सारे ऐसे 24 टॉपिक्स हैं। तो आप इन चीजों को जानोगे और अपने आप को हील करोगे, जिंदगी को जानोगे, लाइफ को समझोगे क्या है। तो कमेंट सेक्शन में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं और डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूं, वहां से जाकर आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।